सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। 100 डेज के टारगेट के आज इस 28वें दिन हमारा जो टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बेनता इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपको मतलब अच्छा लगेगा और गर्व होगा कि ऐसे प्रतापी शासक जो है मराठा साम्राज्य में हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी की, एक महान योद्धा। इनका आपको क्या याद करना है कि एक तो जन्म कब हुआ, ठीक है, जो सन है वो आपको याद करना है। उसके बाद जो है वो माता पिता कौन थे, जीजाबाई कौन थी, इनके गुरु का क्या नाम था। तो ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो सब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। उसके बाद क्या उपाधि इन्होंने धारण की, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अफजल खां किस तरह से इनको मारने आया और अफजल खां को किस तरह से इन्होंने मौत के घाट उतारा, उसकी हत्या की, वो भी आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है पुरंदर की संधि, इसकी डेट और सन दोनों बिल्कुल याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस चैप्टर से सवाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना भी है। तो पुरंदर की संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जयपुर हाउस आगरा में इनको कैद किया गया, किस तरह से ये वहाँ से गायब हुए, फरार हुए, तो उसकी डेट भी पूछी गई है, तो कौन सी डेट और कौन से सन में ये घटना घटी, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिंघड़ किला, किस किले को जीत कर इन्होंने उसका नाम बाद में सिंघड़ किया, तो ये सवाल भी आ चुका है। उसके बाद राज्याभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कब हुआ, डेट सहित, प्लस किसने राज्याभिषेक किया, उस ब्राह्मण का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद उनकी डेथ और प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध हैं एक दो जो मैंने इसमें लिख दिए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी। उसके बाद अष्टप्रधान, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अष्टप्रधान कौन हैं, अष्टप्रधान, ओके, मतलब अष्टकवि, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ये तीन शब्द हैं, अष्टकवि, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये अष्टप्रधान क्या है, कौन कौन से वो आठ प्रमुख मंत्री हैं, उनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद चौथ और सरदेशमुखी, ये कर हैं, क्या हैं चौथ और सरदेशमुखी, क्या है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, तो इसलिए आपको इसको बहुत गहराई से थोड़ा सा पढ़ना है कि आखिर ये क्या चीज़ थे। उसके बाद एक काम करिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप एक चार्ट बनाकर इसे पढ़ लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। जैसे शिवाजी हैं, अब उनकी दो पत्नियाँ हैं, फिर उनके जो पुत्र हैं, तो एक चार्ट बना लीजिए, तो चीज़ें चार्ट बनाकर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप चार्ट बना लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होती रहेगी कि कौन किसका पुत्र है, कौन जो है। तो एक चार्ट पहले बनाइए, सबसे पहला एक काम करिए, शिवाजी का जो पूरा वंश है उसको बनाइए, ठीक है, मराठा साम्राज्य के, तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि कौन संभाजी थे, राजा राम कौन था, शिवाजी द्वितीय कौन थे, ताराबाई कौन थे, तो चार्ट से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चार्ट बनाइए, उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, संभाजी के बारे में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कैसे की गई, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। राजा राम कौन था, राजधानी परिवर्तन की, कौन सी राजधानी बनाई नई, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा की उपाधि किसने दी अल्टीमेटली, ये भी आपको पूछा गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिवाजी द्वितीय और ताराबाई के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, हालांकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं इसलिए मैं आपको यहाँ लिखा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शाहू जी महाराज। शाहू जी आजम शाह जो मुग़ल बादशाह था उनके द्वारा इनको मुक्त कर दिया गया, और मुक्त करने के बाद जो है क्या हुआ वो सब आप पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण खेड़ा का युद्ध, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसका सन याद करना है, किसके बीच हुआ, कौन जीता, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, खेड़ा का युद्ध। उसके बाद
असली शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथ में आ गई। ओके, अब तक राजा हुआ करते थे ये, लेकिन इसके बाद से पेशवा जो है वो वास्तविक शासक हो गए, और पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है बालाजी विश्वनाथ, कि इनको शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बालाजी विश्वनाथ, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है आज के इस टॉपिक में, वो है फर्रुख सियर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां से संधि हुई। क्या थी वो संधि, क्या शर्तें थी उस संधि की, और इसे मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर लगे हाथों आप नेट पर से सर्च करके ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मैग्ना कार्टा क्या है बेसिकली, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी नहीं जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा नेट पर से पढ़ लिया जाएगा कि मैग्ना कार्टा एक्चुअली किसे कहते हैं, और जब किसी चीज़ को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये संधि जो शाइस्ता खां और बालाजी विश्वनाथ के बीच, वो हुसैन अली खां और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुई। तो उसके बाद इनकी मृत्यु, और मृत्यु से संबंधित जितने भी वक्तव्य हैं पेशवाओं के विषय में वो सब आपको याद करने हैं, क्योंकि हर पेशवा के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट जरूर तैयार करना है पेशवाओं के विषय में, जितने भी पेशवा हुए हैं उनके। उसके बाद बाजीराव प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण पेशवा, सारे पेशवाओं में 9 पेशवा हुए हैं, 9 में सबसे ज़्यादा मतलब योद्धा शक्तिशाली, और ऐसा पेशवा जिसने मराठा साम्राज्य को उसके सर्वोच्च सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया, उसका श्रेय बाजीराव प्रथम को जाता है। तो बाजीराव प्रथम के विषय में जितने भी वक्तव्य हैं पहले उन्हें पढ़ लीजिए कि आखिर कितनी महत्वपूर्ण है बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के लिए। उसके बाद 2 युद्ध हैं, शुकरखेड़ा और पालखेड़ा। तो ये दोनों ही युद्धों को आपको तैयार करना है, इनकी सन याद कर लीजिए। तो आज 3 युद्ध हो गए, खेड़ा का युद्ध, शकुर खेड़ा का युद्ध, पाल खेड़ा का युद्ध, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनके सन आपको याद करने हैं, किस किस के बीच हुआ और क्या इसका परिणाम रहा, ये आप तैयार करिएगा। उसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि, ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मालूम हो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये भी पूछी जा चुकी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है संधियाँ। देखिए मराठा साम्राज्य में संधियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सारी संधियाँ हुई हैं, और जहाँ कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ इसलिए आते कि कन्फ्यूज़न की संभावना होती है, तो सीधी सी बात है कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुंशी शिवगांव की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वारणा की संधि, भोपाल का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दुरई सराय की संधि। तो जितनी भी ट्रीटीज़ हैं यानी संधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सालसेट और भसीन पर विजय प्राप्त की और पुर्तगालियों को हराया। लड़ाकू पेशवा आपको कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बाजीराव का नाम मस्तानी के साथ, मस्तानी बेगम के साथ जोड़ा जाता है। एक मूवी भी अभी संजय लीला भंसाली की आई थी, बाजीराव मस्तानी, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मस्तानी का करेक्टर जो है वो बाजीराव के साथ एक मतलब ऐसा करेक्टर है जो बिल्कुल जॉइंट है। और ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव का देहांत जिस दिन हुआ उसी दिन जो है मस्तानी बेगम का भी मतलब देहांत हो गया। तो इनका प्रेम जो है उसी पर एक मूवी बनी है। तो इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई ये भी आपको पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदू पातशाही का आदर्श बेसिकली इनका था। तो हिंदू पातशाही क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इस पूरे मराठा साम्राज्य के आधार को समझने में, क्योंकि बेसिकली मराठा साम्राज्य का जो असली आधार है वो हिंदू पातशाही की स्थापना है। तो क्या है ये हिंदू पातशाही, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हो गया है, ठीक है। आपको लग भले ही थोड़ा रहा हो लेकिन ये काफ़ी काम है आज का, और बाजीराव प्रथम तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी का हम मराठा साम्राज्य कल शेष जो रह गया वो हम कल करेंगे, आज सिर्फ इतना ही। तो आज के सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर्स में से शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम,
ये तीन करेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम के विषय में जितने भी स्टेटमेंट हैं कि कटक से अटक तक ये मतलब चाहते थे, तो क्या था जितने भी वक्तव्य हैं उनके विषय में, बाजीराव प्रथम के विषय में, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स शो करते हैं, आप लोग जब फ़ोन करते हैं या कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट शो करते हैं कि आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, हो रहे हैं साबित। और जहाँ तक मैं अपने अनुभव से आपसे कहूँ कि एक जब हम इस तरीके की जो है हमें कोई टारगेट मिलता है, खास सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको बुक में सब है, लेकिन बुक में किस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये हमें या तो अब 3 से 2 3 साल तैयारी कर लें, एक दो बार एग्ज़ाम दे लें, तब हमें मालूम पड़ता है, या कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको बेस्ट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे मैं दे सकूं। और केवल यहाँ पर काम मेरा ख़त्म नहीं होता, अगला काम अब आपका शुरू होता है कि आपको जब ये गाइडेंस मिल रही है तो इसे निरर्थक न जाने दें, इसकी उपयोगिता मेरे जो मैं जो भी मैं मेहनत करता हूँ अपने समय निकाल कर, उसकी उपयोगिता तब है जब आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, सफलता पाएँ। यही इसकी मतलब मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आपकी दक्षिणा है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ उसे पूरी ईमानदारी से तैयार करिए, और निश्चिंत रहिए कि यदि आप इतना तैयार कर रहे हैं तो आप कामयाब होंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।